हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो में रेलवे के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, जिनका रेलवे डी ग्रुप एंड लोको पायलट एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फ्रेंड आने की बहुत ही संभावना है। तो फ्रेंड्स मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स जो जो लोग मेरे चैनल तक अब तक नहीं जुड़े हैं फ्रेंड, वो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स एंड फ्रेंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स से रिलेटेड न्यूज मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स जो जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स, वो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो फ्रेंड्स मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो का अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली रेल कब और कहाँ चली। फ्रेंड्स इसका आंसर है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक। और फ्रेंड्स अगर आपसे टाइम पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स इसका टाइम है 3:15 पे सिर्फ से आपको चली थी ये। ठीक है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली रेल ने मुंबई से ठाणे तक कितनी दूरी तय की थी। फ्रेंड्स इसका आंसर है 34 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स इसका आंसर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रेलवे पर किसका एक अधिकार है। फ्रेंड्स इसका आंसर है भारत सरकार का। इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 17 जोन। ठीक है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस रेल का रूट सबसे लंबा है। फ्रेंड्स इसका आंसर है विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है। फ्रेंड्स इसका आंसर है वडोदरा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे पहले रेलवे टाइम टेबल किसने बनाया था। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। फ्रेंड्स इसका आंसर है जत बिरसा ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहां पर स्थित है। फ्रेंड्स इसका आंसर है मथुरा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर स्थित है। फ्रेंड्स इसका आंसर है गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के आजाद होने के बाद सबसे पहला रेल मंत्री कौन बना। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। फ्रेंड्स तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉन मथाई। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रांड गेज रेल की चौड़ाई कितनी है। फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा 1.676 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। फ्रेंड्स इसका आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी थी। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स इसका आंसर है डेंकन क्वीन, जो कि फ्रेंड्स कल्याण से पुणे तक चली थी। ठीक है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत रेलवे ने किस साल को ईयर ऑफ रेल यूजर्स घोषित किया था। फ्रेंड्स इसका आंसर है 1995 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे ट्यूनल कौन सा था। इसका आंसर है फ्रेंड पीर पंजाल रेलवे ट्यूनल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है। फ्रेंड्स इसका आंसर है बांग्लादेश और भारत। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो प्लीज फ्रेंड ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन फ्रेंड काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। फ्रेंड्स इसका आंसर है शताब्दी एक्सप्रेस। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ लिया जाए शताब्दी एक्सप्रेस की स्थापना कब हुई, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा 1988 में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेलवे बोर्ड कब स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसका आंसर फ्रेंड 1905 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है। फ्रेंड्स इसका आंसर है पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली रेलवे सुरंग का क्या नाम था। फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा पारसिक रेलवे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहां पर स्थित है।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स प्लीज ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा मुगल सराय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा नेहरू सेतु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ। फ्रेंड्स पहले मुंबई टर्मिनल था, बट फ्रेंड अब आज के टाइम पे फ्रेंड हाल ही में इसे फ्रेंड बना दिया गया सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन रेलवे म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स आपका इसका आंसर हो जाएगा चाणक्यपुरी, जो कि फ्रेंड नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण कहाँ शुरू हुआ? फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवन रेखा एक्सप्रेस कब शुरू हुई? फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा 1991 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किन राज्यों में रेलवे सुविधा नहीं है? फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा मेघालय और सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेल बजट पेश करने वाला पहला भारतीय है? फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है? फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा वल्डरपट्टनम केरला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन रेलवे का स्लोगन क्या है? फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेल कोच फैक्ट्री RSF कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स इसका आंसर आप बता दूंगा आपको, इसका आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा कपूरथला, फ्रेंड जो कि पंजाब में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स यालाहका, जो कि फ्रेंड्स बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीजल लोकोमोटिव मोटर डीजल वर्क्स कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा पटियाला, फ्रेंड्स जो कि पंजाब में है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वीडियो का लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड ये, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री CF कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स चेन्नई। फ्रेंड्स इस आज की वीडियो का फ्रेंड्स क्विज प्रश्न देख लेते हैं, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो फ्रेंड्स इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और फ्रेंड अगर हम बेल बटन फ्रेंड जरूर ऑन कर लीजिएगा। और फ्रेंड जो जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स, वो मेरे चैनल से फ्रेंड जुड़ जाइए, क्योंकि फ्रेंड आपको मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स एंड फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब से फ्रेंड जितनी भी न्यूज होती है फ्रेंड उन सबका अपडेट मिलता है। तो फ्रेंड मेरे चैनल से फ्रेंड जल्दी से जुड़ जाइए, और फ्रेंड्स अपना बेल बटन फ्रेंड जो ऑन कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड मैं जो आपके लिए वीडियो बनाता हूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड फ्रेंड थैंक यू सो मच।